नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले मैंने एक खबर लगाई थी। वह खबर थी वसई विरार अंतर्गत भाजपा की असलियत की, किस तरह से भाजपा से जुड़े लोग वसई विरार में फंडिंग करते हैं। अभी उस खबर की यादें धुंधली भी नहीं हुई, तस्वीरें धुंधली भी नहीं हुई, आज एक नई खबर भाजपा से जुड़ी हुई आई है। दरअसल आज जो खबर आई है उसमें भाजपा का एक पदाधिकारी, सुधांशु चौबे नाम का एक पदाधिकारी, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सुधांशु चौबे जो है, ये लोगों को ठगी का काम करता था और ठगी के आरोप में पकड़ा गया है। ये खुद को, जैसा पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये सुधांशु चौबे खुद को काफी पहुंचा हुआ बताता था और मेडिकल से जुड़े जो छात्र है उनको ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्फत श्री नरसिंह दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात करके उनसे वसूली करता था। ऐसी ही एक शिकायत जब पुलिस को विजय पाटिल नाम के फरियादी ने दी, तब पुलिस ने जांच की तो इस विजय पाटिल से 11 लाख रुपए की रकम इस सुधांशु चौबे, जो कि खुद को बीजेपी का लीडर बताता था और बीजेपी से जुड़ा हुआ है भी, उसने ऐंठ ली। और इतना ही नहीं, इसने और भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया और लगभग अब तक जो पुलिस के पास डेटा आया, उस डेटा के हिसाब से 62,12,820 इतने रकम ये ऐंठ चुका है लोगों से। ऐसी भी जानकारी आई कि ये लोगों को विदेश नाम भेजने के नाम पर भी ठगता था, लेकिन इसके अभी कोई फरियादी सामने नहीं आए। यहां तक कि सूत्रों से ऐसी भी जानकारी मिली है कि भाजपा से जुड़ा हुआ था और इसने भाजपा के ही लोगों को भी ठगी के ठगा है। अब क्या मालूम इसके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ वो इस हिसाब से तो नहीं हुआ कि इसने खुद भाजपा के लोगों को के साथ ठगी की। ये एक सोचने वाली बात है। अब मैं जो अपनी बात कर रहा था कि ये सुधांशु चौबे ही नहीं, जो मैंने शुरुआत में कहा कि भाजपा का असली चेहरा, मैंने आपको पिछले थोड़े दिनों पहले एक खबर दिखाई थी, उसमें दिखाया था किस तरह से यहां के जो बिल्डर है वसई विरार के, वो बिल्डर भरी सभा में खड़े होते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए यहां से फंड भेजे जाने की बात मंच भरे मंच पर करते हैं। और वही उसी भाजपा से जुड़े ये सुधांशु चौबे के इस तरह से फ्रॉड के केस मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा जो टिकी हुई है वो इसी आधार पर टिकी हुई है। भाजपा में अपराधियों की कमी नहीं है, ये सभी जानते हैं कि भाजपा पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी है। और आज तो ऐसा दौर चल रहा है कि आप दूसरी किसी पार्टी में हो लेकिन अगर भाजपा ज्वाइन करते हो तो उसके बाद में दूसरी किसी पार्टी में है तब वो अपराधी है, तब वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे ही भाजपा ज्वाइन किया तो वो नीट एंड क्लीन है। ऐसे हमारे सूत्रों ने ऐसे भी जानकारी दी है कि आज के समय में जब इस सुधांशु चौबे के ऊपर कार्यवाही हुई है, इसको गिरफ्तारी हुई है, तब अब ये कहां जा रहा है कि इसको भाजपा से निकाल दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक भाजपा से निकाले जाने का कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। और अभी भी इसके प्रोफाइल पे, फेसबुक हो, इसके सोशल अकाउंट हो, उनके प्रोफाइल पे अभी भी भाजपा के बैनर आपको मिल जाएंगे और भाजपा के लोगों के साथ इसकी तस्वीरें मिल जाएंगी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने खबर लगाई थी, उसमें मैंने अरुण वर्मा उसका जिक्र किया था और अरुण वर्मा किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के साथ, यहां तक कि राष्ट्रपति के साथ में फोटो तस्वीरें खिंचवाता है, जो कि शिक्षण माफिया है।
अरुण वर्मा हो, चाहे सुधांशु चौबे हो या और कोई हो, किस तरह से ये लोग अपने आप को बड़ा बताकर लोगों के साथ में ठगी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। अब इस मामले में तो सुधांशु चौबे पकड़े गया है, अब देखना यह है कि इस पे किस तरह की कार्यवाही होती है। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि खुद बीजेपी के लोगों को इसने ठगा हुआ है, ऐसे सूत्रों से ऐसी जानकारी सामने आई, हालांकि किसी ने खुलकर ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी है। तो अब यह बात होता है कि पार्टी जो है उसकी उसका साथ देने वाली नहीं है। तो क्या अब यह सुधांशु चौबे खुद अपने आप को बचा पाएगा, ये देखना पड़ा है। देखिए इस सुधांशु चौबे से जुड़ी हुई पत्रकार परिषद में क्या कुछ कहा वसई की एसीपी ने। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जय पाटिल एक फिरियादी आए, उन्होंने कहा कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सुधांशु चौबे करके एक जो आरोपी है उन्होंने मेरे से 11 लाख रुपए लिए है और मुझे एडमिशन नहीं दिया। ये सुधांशु चौबे जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसकी अच्छी पहचान है और उधर वो मेडिकल का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देगा, ऐसे कहकर उन्होंने एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का बनावट नकली एक ईमेल आईडी बनाकर इन लोगों को ईमेल भेजा और उसमें से एडमिशन के पेपर और जो जो पत्र व्यवहार है वो ईमेल से करता था। इसमें से जय पाटिल ने 11 लाख उसको दिए थे, चेक और कैश दोनों में दिए थे और बाकी के 10-12 लड़कों ने 62 लाख तक पैसे दिए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व यानी जो पीड़ित है जो आगे आएंगे, और मैं आपको आह्वान करती हूँ कि आप भी मीडिया से ये पहुँचाओ कि जो भी कोई जिसकी पसंद हो गई है वो आके सामने पुलिस स्टेशन में आके अपनी तकरार दे दे। इसमें वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपतराव पाटिल और अभिजीत मड़के, सब पुलिस सचिन सानप, PSI तुकाराम भोपड़े और DB की पूरी टीम ने अच्छा काम किया है। मैडम इस मामले में ये एक ही आरोपी है कि और भी कोई इसके साथ में है? अभी तो केपी एक ही आरोपी है, अभी तपास चालू है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।